टीचर एज अ काउंसलर हमने ये देखा कि टीचर जो है उसका एक बहुत बुनियादी रोल है टूवर्ड्स दी दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टीचर्स नीड टू इमर्ज एज काउंसलर्स दे नीड टू इमर्ज एज गाइड्स टू द स्टूडेंट्स और उसमें ऐसी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जिनका मुजाहरा करना टीचर के लिए ज़रूरी है वो टीचर तब इफेक्टिव टीचर्स कहलाते हैं जब वो कुछ कुछ खसूसियात जो हैं उनका क्लासरूम में मुजाह करें उनमें एक पर्सनैलिटी ट्रेट जो है वो केयरिंग जो है कहलाती है केयरिंग इज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट टू डिस्प्ले और इसमें रिसर्चर्स जो हैं उनका यह ख्याल है कि जब हम टीचर करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो देर आर बेसिकली सेवन इंडिकेटर्स दैट आर इम्पोर्टेंट वो सेवन इंडिकेटर्स जो हैं उन पर हम बात करेंगे उनको एक एक जो है लेकर चलेंगे लेकिन उसमें सबसे पहले जो है एलिमेंट ऑफ केयरिंग है teachers need to emerge as caring individuals in the classroom now how would they display this particular characteristic usme agar teacher ki sahi taur par professional development ki gayi hai to wahan par jo teacher hai wo is component ko classroom mein lekar chalta hai जब हम caring की बात करते हैं, तो caring is a core component of social emotional learning हम जब यह कहते हैं कि टीचर्स जो हैं उनको वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले करना होती हैं जिनका हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स भी मुजाह करें तो उसमें केयरिंग हैज इमर्ज एज अ कोर कॉम्पोनेंट इसके अलावा इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव एंड इट प्लेज अ बिग रोल नॉट ओनली इन चेंजिंग ह्यूमन पर्सनैलिटीज इट ग्रूम्स इंडिविजुअल्स और वहां पर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के लिए ये बहुत अहम है हम जब क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वहां पर वो तमाम करेक्टरिस्टिक्स जो कि केयरिंग कनेक्शंस बिल्ड करते हैं टीचर को बहुत महारत के साथ उनको क्लासरूम में लेकर आना है उसमें सबसे पहले तो टीचर को बात सुननी है अ टीचर मस्ट लिसन टू द स्टूडेंट उसके साथ साथ जेंटलनेस का मुजाह करना है अ टीचर नीड्स टू बी जेंटल इन द क्लासरूम इसके साथ साथ टीचर नीड्स टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स वेरी वेल स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज स्टूडेंट्स लर्न इन डायवर्स मैनर्स एंड टीचर्स नीड टू अंडरस्टैंड दोज पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्ट और इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं उनके लिए ये जरूरी है दैट दे शुड नो देअर स्टूडेंट्स वेरी वेल टीचर्स के लिए यह जरूरी है दैट दे शुड डिस्प्ले व वार्पनेस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड ऑल्सो इनकरेज स्टूडेंट्स सो दीज आर वाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट बिल्ड अ केयरिंग कनेक्शन टीचर्स दे नीड टू बी केयरिंग एंड एज वेल एज सपोर्टिव एंड सपोर्टिव मैकेजम्स आर डिवेलप्ड इन द क्लासरूम वंस टीचर्स एस्टेब्लिश गुड रेपो विद द स्टूडेंट्स अगर टीचर जो है वो केयरिंग होगी वो बच्चों का ख्याल रखेंगी क्लासरूम में और ये जरूरी नहीं है कि बच्चे की जब उम्र छोटी है तलब इलम की जब उम्र छोटी है तो आपको वहां पर केयरिंग होना है दिस इज समथिंग विच रोल्स ऑन एंड ऑन अ केयरिंग कनेक्शन नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम डे वन एंड इट इट नीड्स टू कंटिन्यू टिल अ स्टूडेंट फिनिश स्कूल वो टीचर्स जो केयरिंग होते हैं वो टीचर्स जो सपोर्टिव होते हैं स्टूडेंट्स के लिए वो टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को हमेशा याद रहते हैं क्योंकि उन टीचर्स ने स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उस पर तवज्जो दी होती है केयरिंग टीचर बनने के लिए यह जरूरी है कि आप जो है आपके जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैं और जो सोशल इमोशनल ऑब्जेक्टिव हैं इनको जो है सामने रखा जाए और देखा जाए कि किस तरह इनका इस्तेमाल क्लासरूम में किया जाए और उस केयरिंग कनेक्शन को लेकर चला जाए जिसमें ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स की प्रॉपर फुलफिलमेंट हो रही है तो टीचर की जो अपनी शख्सियत है वो बहुत मैटर करती है और हम जब टीचर एज अ काउंसलर की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे जरूरी बात है जो सबसे जरूरी मुजाहरा करना है वो केयरिंग बिहेवियर का है वैन यू शो कंसर्न फॉर द स्टूडेंट वैन यू फील फॉर द स्टूडेंट अ स्टूडेंट ऑल्सो builds अ गुड रेपो विद यू एंड देन ही और शी डज नॉट hesitate टू शेयर द इशूज विद यू सो when द इशूज आर रिजॉल्व the academic journey of the student it goes easier and this is what the overall objective is we are there in the classroom we are there as teachers in the classroom to support our students and that is possible by developing caring connections in the classroom